अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ आया बैसी और ये ही मेरी बहन बैसी। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, माय फ्रेंड अफनान दनून। एंड वी आर सो एक्साइटेड दैट अफनान डिसाइडेड टू कम विद अस ऑन दिस ट्रेलर रिएक्शन। एंड टुडे वी आर रिएक्टिंग विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वॉच द, वी आर गोना गिव यू द फीडबैक आफ्टर दैट। सो हियर वी गो। Some parts of the world, even elected governments make certain rules that are not very acceptable to certain communities, especially if you see the France government's action recently. You see, the little knowledge I have about bikini is that women fought to wear bikini. So now women are fighting to wear burkini. Good. Do you think it's intervening in the individual's rights? You know, France is a country which proudly says stands for equality, fraternity, liberty. But when they make such laws, it is for them to answer, you know, who am I, you know. But I am not an expert on French, but when a country stands for liberty, equality, fraternity, so it's very astonishing. Sir, do you think that your party will be able to unite the other parties in Tamil Nadu and sir, face the elections in future? Sir, we'll definitely. तो मैं इनकी कैफियत में, इस परेशानी की कैफियत में और इजाफा करने के लिए आया हूं। दूसरा सवाल इनका कि हैदराबाद का पैकेट है, हैदराबाद को डिलीवर कर दो। क्या कुछ फ्रेटर्निटी के दवाखाने में शरीक हो गए क्या तुम लोग? डिलीवर तो अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, तुम्हारे बड़े बड़े लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं हैदराबाद का जरूर हूं मगर इन इंडिया हूं, समझे। और बोलू नहीं, 19 दिन बोलेंगे इंशाल्लाह, समझो। छेड़ना नहीं हमको, छेड़े तो छोड़ते नहीं हम किसको भी। तीसरी बात ये, एक और बात सुन लो आप, आमद हो रही है स्टोरी की। एक बार क्या हुआ, एक गाय जो है जंगल में दो शेर के बच्चों को पाल रही थी, तो वो पानी का एक परिंदा होता, कोंगा बोलते हम लोग हैदराबाद में, आप लोग क्या बोलते? हाँ, बगला। बगले से भी हुशियार रहना, देखो। तो बगला देख के बोला, ये क्या है, गाय शेर के बच्चों को पाल रही। जाके बोला, ये क्या कर रही है, बड़े होकर तेरे को खा लेंगे। गाय बोली, नहीं नहीं, मैं एहसान कर रही हूं लोगों पे। अरे एहसान करना अच्छा है। बगला बोला, उफ वो क्या इंसानियत है भाई, क्या हमदर्दी है। तो बगला एक बार तालाब में जो है वहां पे मच्छी खा रहा था, एकदम देखा चूहा डूब रहा था पानी में, बोला मैं भी रहम करता हूं इसके ऊपर। फौरन चूहे को उठाया, साहिल पे लेके गया, चूहा पानी में भीग गया था। बगला जो है एक बगल में लेके दबाया, दूसरे बगल में लेके दबाया, और दबाने के बाद चूहे को अच्छा जान आ गई, छोड़ दिया उसको, चूहा भाग गया। अब बगला जब उड़ने की कोशिश करा, देखा क्या है, चूहा दोनों जगह कतर दिया उसको। मैं बोला, अरे ये क्या है भाई, नेकी कर, मैं इसको बचाया तो इन्हें कतर दिया मेरे को। अब उसको चील उसको हमला करने आ रही, बच रहा था, उन्हें बच बच के निकला। उसके बाद बोला, नहीं अब जाके गाय से पूछता हूं ये किस्सा क्या है, क्या देखता हूं क्या हुआ। उस जाके देखा तो क्या है, शेर के बच्चे और बड़े हो गए। तो मैं इनकी कैफियत में, इस परेशानी की कैफियत में और इजाफा करने के लिए आया हूं। दूसरा सवाल इनका कि हैदराबाद का पैकेट है, हैदराबाद को डिलीवर कर दो। क्या कुछ
फ्रेटर्निटी के दवाखाने में शरीक हो गए क्या तुम लोग? डिलीवर हो, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, तुम्हारे बड़े बड़े लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं हैदराबाद का जरूर हूं मगर इन इंडिया हूं। बोलते हम लोग हैदराबाद में, आप लोग क्या बोलते? हाँ बगला, बगले से भी होशियार रहना। देखो तो बगला देख के बोला ये क्या है, गाय शेर के बच्चों को पाल रही, जाके बोला ये क्या कर रही है, बड़े होकर तेरे को खा लेंगे। गाय बोली नहीं नहीं मैं एहसान कर रही हूं लोगों पे, अरे एहसान करना अच्छा है। बगला बोला ओफो क्या इंसानियत है भाई, क्या हमदर्दी है। तो बगला एक बार तालाब में जो है वहां पे मच्छी खा रहा था, एकदम देखा चूहा डूब रहा था पानी में, बोला मैं भी रहम करता हूं इसके ऊपर। फौरन चूहे को उठाया, साहिल पे लेके गया, चूहा पानी में समझे और बोलू नहीं, 19 दिन बोलेंगे इंशाल्लाह, समझो छेड़ना नहीं हमको, छेड़े तो छोड़ते नहीं हम किसको भी। तीसरी बात ये, एक और बात सुन लो आप, आमद हो रही है स्टोरी की। एक बार क्या हुआ, एक गाय जो है जंगल में दो शेर के बच्चों को पाल रही थी, तो वो पानी का एक परिंदा होता कोंगा बोल। Assalamualaikum दोस्तों, क्या हाल है, मैं हूँ आया बैसी और ये ही मेरी बहन श्राव बैसी, एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट माय फ्रेंड आई एम अफनंदा नून, एंड वी आर सो एक्साइटेड दैट अफनंदा डिसाइडेड टू कम विद अस ऑन दिस ट्रेलर रिएक्शन, एंड टुडे वी आर रिएक्टिंग टू, विदाउट फर्दर अडू लेट्स वॉच द, गोना गिव यू द फीडबैक आफ्टर दैट, सो हियर वी गो। In some parts of the world, even elected governments make certain rules that are not very acceptable to certain communities, especially if you see the France government's action recently. You see, the little knowledge I have about bikini is that women fought to wear bikini. So now women are fighting to wear burkini. Good. Do you think it's intervening in the individual's rights? You know, France is a country which proudly says stands for equality, fraternity, liberty. But when they make such laws, it is for them to answer. You know, who am I? You know, but I am not an expert on French. But when a country stands for liberty, equality, fraternity, so it's very astonishing. So, do you think that your party will be able to unite the other parties in Tamil Nadu and? Sir, face the elections in future. Sir, we'll definitely.